सीएम शिवराज सिंह चौहान का एमपी में निवेश के लिए आज पुणे दौरा। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना को बढ़ाने की जाएगी कोशिश। बड़े संस्थानों से जुड़कर एमपी को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद। शॉर्ट फिल्म के जरिए निवेशकों और प्रतिनिधियों को औद्योगिक परिदृश्य की दी जाएगी जानकारी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव आदि होंगे बैठक में मौजूद। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल करेंगे यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। जिम्मेदारियां भी हो सकती है तय। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। संगठन के बड़े नेताओं की कर रहे रणनीति बनाने की तैयारी। मीडिया विभाग को मजबूत बनाने में जुटी बीजेपी। मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश पदाधिकारी होंगे शामिल। 2023 से पहले सोशल मीडिया पर सक्रियता अधिक करने को लेकर बन रही रणनीति। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर, विश्राम में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल पीएम मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे, जहां सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जयस आदिवासी युवा शक्ति जयस को बताया आदिवासियों के लिए घातक संगठन। कांग्रेस के पर कहा कि कांग्रेस में विघटन का काम किया है। कांग्रेस की नजर में तो राम थे ही नहीं, उन्होंने तो राम को काल्पनिक बता दिया। अब कांग्रेस को राहुल गांधी में राम दिखने लगे हैं। वे कहती है कि हर व्यक्ति में राम है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी के अभियान को दिया समर्थन। पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की याद में शोक परेड के साथ दी गई श्रद्धांजलि। परिवार के छलके आंसू, हर किसी की आंखें हुई नम। 16 पुलिस जवानों की इसको स्मृति दिवस पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के कुख्यात किन्नर डॉन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर पिछले दिनों दो थाना क्षेत्रों में घर में घुसकर मारपीट का था आरोप। घटना को अंजाम देने के बाद से मामले में काजल चल रही थी फरार। एक और आरोपी की अभी तलाश। दीपावली पर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को लेकर रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। यात्रियों को दी बड़ी सौगात। अतिरिक्त कोच लगाकर क्लियर की वेटिंग लिस्ट। अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग की लिस्ट को लेकर यात्री हो रहे थे परेशान। ग्वालियर में नकली एशियन पेंट बनाने की एक फैक्ट्री में पकड़ाई। पेंट बनाने की मशीन और नकली पेंट बरामद। संचालक को लिया हिरासत में। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं में किया मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के धार जिले में देर रात एटीएम लूटने के प्रयास में गार्ड की कर दी गई हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर महू नीमच फॉरलेन पर किया चक्का जाम। घटना को खिलाफ करनी सेना ने भी संभाला मोर्चा, चक्का जाम किया। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को दिया आश्वासन।